हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो मैं आ गई हूँ। मॉर्निंग के बज रहे हैं 7:45, अभी 7 भी नहीं बजे हैं, तो मैं आ गई हूँ इधर किचन में काम करने। देखो बाबू ने मेरे काजल कहाँ कहाँ लगाया है, ये बाबू का काजल लगा हुआ है। तो मैं आ गई हूँ अभी इधर किचन में। इसके पापा भी आ गए ड्यूटी से, नाइट ड्यूटी में। मैंने बताया आपको कि अभी नाइट ड्यूटी चल रही है उनकी। तो फ्रेंड मैं अभी आ गई हूँ किचन में, जो कि मैं अभी चाय बनाऊँ। और उन्होंने बोला कि मुझे भूख भी लग रही है, तो मैगी भी बनानी है मुझे। तो चलिए फ्रेंड, बने रहिए मेरे ब्लॉग में और मैं करती हूँ फटाफट से अपना काम स्टार्ट। फ्रेंड्स, सभी पड़ोसी लोग हैं ना अपने बच्चों को डांट डांट के उठा रहे हैं, और मैं तो आज पहली बार उठी हूँ 7 बजे, 7:45 बजे जो भी है। क्योंकि मतलब मैं जब भी उठती हूँ तो सभी लोग उठ चुके होते हैं, तो मुझे नहीं पता कौन कैसे उठाता है। आज मैं फर्स्ट बार उठी हूँ, ऐसा नहीं है फर्स्ट बार उठी हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद फर्स्ट बार जल्दी उठी हूँ। क्यों? क्योंकि ये आए थे, नहीं तो वैसे मम्मी रहती है तो मम्मी भी खोल देती हैं। अभी मम्मी अपनी भैया के घर गई हुई है, यानी अपनी मम्मी घर गई हुई है, वहाँ लेंटर वगैरह पड़ा था। तो इनके यहाँ ऐसा कुछ बुलाया जाता है, पर हमारे यहाँ तो नहीं होता ऐसा कुछ। टैलेंट पड़ा तो बुलाते हैं, लेकिन इनके यहाँ बुलाया जाता है। तो वो लोग गए हैं, और अभी मैं प्याज काट लेती हूँ। इधर में मैंने चाय चढ़ा दी है, अब एक चूल्हे पे चाय और एक पे मैगी फटाफट से बना के ले जाती हूँ उनके लिए। और बने रहिए मेरे ब्लॉग में आज शाम तक मैं क्या क्या करती हूँ। और फ्रेंड, मैं ये मत सोचना आप लोग कि ब्लॉग फूड कैसे करती है क्या है। फ्रेंड मेरे पास काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो इतने सारे काम हो जाते हैं कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। और काम भी कुछ समझ नहीं आएगा क्या काम बाबू का। कल मेरा बाबू पहली बार गिरा मेरे से क्या, मैं इसके पापा पास छोड़ के आई थी। वो बेचारे बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं उसका, लेकिन वो मैं गलती मेरी थी। मैं खाना बना के उनको देखे आई कि पापा को पकड़ा दो ऊपर, सबसे ऊपर। तो वो चले गए, बोले ठीक है। इतने में बेड से जमीन पर, सोचो कितना चोट लगी होगी उसको। बहुत देर रोया, बहुत देर रोया। तो चलिए फ्रेंड, मैं पहले ना काम कर लेती हूँ, क्योंकि इनको भूख लग रही है, बहुत देर हो जाएगी, है ना। सो फ्रेंड, मेरा वाइट भी हो गया ना, और मैं जा रही हूँ एडजस्ट फ्रेंड चलाने, क्योंकि इनको बहुत दिक्कत होती है नहीं चलाऊँ तो। सुबह सुबह देख रही हूँ कितना पसीना ज़्यादा हो रहा है। इधर मैं बन रही हूँ मेरी चाय। तो चलिए फिर मैं बना के और मिलती हूँ आपसे इनको देने के बाद, क्योंकि मुझे काम भी करना है अभी। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैं नीचे सारा काम कैसे करती हूँ। और चलिए फिर बने रही मेरे ब्लॉग में। फ्रेंड मैं इनको चाय और मैगी लेके आई हूँ, पापा के लिए भी चाय दे दी मैंने। और इधर मैं बाबू की बोतल खुलाने रख दी, उधर दूध गर्म हो रहा है बाबू का। अभी मैं बोतल साफ करने के बाद, बाबू की बोतल साफ करने के बाद दूध देने जाऊँगी मनु को। मनु भी जग गया है, और इधर मैं देख रहे हो आप लोग कैसा पड़ा है फैला हुआ, बहुत गंदा हो रहा है। रात को ना हम लोग ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं ऊपर सोने, यानी कि मेरे कमरे में मैं ऐसे ही चली जाती हूँ सोने, सब ऐसे गंदा छोड़ के। अभी मुझे यहाँ भी साफ़ सफाई करनी है, बार बार मेरी काजल पे नज़र पड़ रही है। तो छूट रहा है ना काजल ही है वो तो। और मुन्नू की नानी ने मुन्नू के लिए आम भेजे थे, जो कि मुन्नू फ़ोन करके बोली थी। उसकी नानी उसे बथुआ बोलती है, बोली बथुआ का एक आम रखा है मैंने बहुत बड़ा वाला, वो बथुआ को दे देना। बट वो तो खाना ही नहीं जानता। बट कल मैंने दिया था तो ऐसे चूस रहा था जैसे दूध पी रहा हो, आता तो है नहीं उसे खाना। तो चलिए फ्रेंड, मैं पहले अपना ये काम ख़त्म करती हूँ, अभी बाबू का दूध पहुँचा के आती हूँ। बाबू अपने पापा के पास गोदी में सो जा रहा है, मतलब भूखे पेट नींद नहीं आ सकती ना, मैं समझ रही हूँ उसको भूखा है वो। तो मैं जल्दी से दूध देती आऊँ उसे। फिर सारे बर्तन पड़े हैं अभी, मतलब रात को मैं धुल के सोई थी, बट मम्मी आई थी ना तो उनका टिफ़िन वगैरह, और ये आए हैं अभी तो इनका टिफ़िन, ये सब हो गए हैं बर्तन, चाय वाले, मैगी वाले। तो
तो फटाफट से मैं पहले ये ख़त्म करती हूँ, उसके बाद में झाड़ू लगानी है, पोछा लगाना है, पूरा साफ करके उसके बाद ऊपर जाऊँगी करने। और अभी मुझे लग रहा है कि ये तो सो नहीं पाएंगे। क्यों नहीं सो पाएंगे कि मैं अब काम करूँगी तो बाबू को पकड़ना पड़ता है इनको। और मैं बहुत अच्छा हस्बैंड मानती हूँ अपने हस्बैंड को कि नाइट ड्यूटी करने के बाद भी बाबू को पकड़ते हैं, मैं मेरे साथ इतना हेल्प करते हैं। मैं नीचे करूँगी तो बाबू सो जाएगा तो ऊपर कर देंगे। तो थैंक यू सो मच पतिदेव, क्या बोलूँगी। तो चलो ठीक है, बने रही मेरे ब्लॉग में। फ्रेंड मैं आपको बोली थी कि मैं काम दिखाऊँगी अपना कि मैं आज क्या क्या काम करूँगी। और इधर में बाबू को देख लो, ड्रामा चल रहा है, दूध काट रहा है, पी नहीं सकता है, पी लो मुंह फाड़ रहा है, पी लो। अच्छा फिर से हाथों को चला रहा है, देखो लड्डू बना रहा है। तो इधर में मैंने लगाई है मेहंदी, जो कि पहली बार लगाई है अपने हाथ पे, पहली बार, मतलब ऐसा कुछ मेरे को आनी नहीं आती। और पीछे भी लगाई थी, लगाई तो सही थी फ्रेंड, लेकिन मैंने ना ऐसी करके यहाँ रख लिया तो नाइटी भी गंदी हो गई और मेहंदी भी छूट गई। और फाइनली मेरी मेहंदी लग गई जैसी भी लगी। इधर मैं बाबू को मैंने एक हाथ से दूध करके दिया था। आप लोग ज़रूर बताना कि मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, देखिए मैं क्या क्या करती हूँ। अभी हो रहा है शाम के 5 बज रहे हैं फ्रेंड, और मैं आपको काम दिखाने वाली थी, मेरा फ़ोन हो गया ऑफ तो मैं दिखा नहीं पाई, और काम के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी तो मैंने कर लिया जल्दी से। ना धोकर ना इसने सोया है ना सोने दिया है मुझे। चाटा मार दो मैं किसी दिन हंस के दिखा देगा, बस हंस के, मैं कितनी भी गुस्सा होंगी हंस के दिखा देगा, फिर मेरा गुस्सा शांत हो जाता है इसे देख के। तो चलिए फ्रेंड अभी चलती हूँ मैं किचन में, चाय बनाती हूँ। चाय बनाने के बाद सब्जी चढ़ाऊँगी, देखो क्या चढ़ाती हूँ। सब्जी चढ़ा के आटा लगा के रख देती हूँ, और मुझे 7 बजे तक अपना सारा काम फ्री करना है। क्यों 7 बजे ये चले जाएंगे ड्यूटी, फिर मेरे बाबू को पकड़ने वाला कोई होगा नहीं, फिर कौन पकड़ेगा, काम कैसे होगा। और मेरी नोज़पिन जो है मेरी नोज़पिन जो है वो टूट गई, पता नहीं कहाँ गिर गई बाथरूम में, मैंने ये रोया तो मैं बाथरूम से बहुत जल्दी जल्दी भागी ना, तो पता नहीं कहाँ गिर गई, मैंने ढूंढा उसको नहीं मिली, लेकिन कोई नहीं, मम्मी आया उसके बाद दूसरी लेके आएंगे। मम्मी गई अपनी मम्मी घर, तो मैंने बता चुकी हूँ आपको, लेंटर पड़ेगा तो वो देखने चली गई। चाय बना दी है सिर्फ, और बाबू का दूध गर्म हो गया, और अब मैं जा रही हूँ, मतलब पापा को भूख लग रही होगी अब तो खाना बना देती हूँ। खाना बनाने के बाद बस मेरा डेली का वही रहता है फ्रेंड, घर का काम करना, मैं वही दिखाती हूँ आप लोगों को। तो प्लीज़ यार, मैं जानती हूँ कि हाँ मेरे ब्लॉग जो हैं बोरिंग लगते होंगे, लेकिन मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना जैसे भी लगे हो मेरी साड़ी, दोनों साड़ी। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी अच्छे ब्लॉग के साथ, एंड लव यू ऑल फ्रेंड, बाय।